हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। आज हम लोग सीखेंगे एएसटीसी रूल क्या होता है। एएसटीसी रूल क्लास 10th, 11th, 12th मतलब कि इन तीनों कक्षाओं के साथ साथ और जो बीएससी वगैरह है उनके लिए भी कंपलसरी है, ज़रूरी है, आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब वीक है। और एएसटीसी रूल के साथ साथ हम लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम भी सीखना है, ठीक है, कि क्वाड्रेंट सिस्टम इस की 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, किसमें साइन का कॉस होता है, किसमें कॉस का साइन होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का जो डिस्कस है वो आज हम करेंगे। और अगर आप लोगों को एएसटीसी रूल समझ में आता है तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। पिछली वीडियो मैंने आपको जो दी है उसमें एक्चुअली में आवाज़ हमारी जो है वो ठीक से नहीं आ रही है, लैक हो रही है आवाज़, तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एएसटीसी रूल और साथ में जो क्वाड्रेंट सिस्टम वो समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट्स करें, ठीक है, ओके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एएसटीसी रूल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है। फोर क्वाड्रेंट है हमारे पास और चार क्वाड्रेंट यानी कि इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्लियर। ये हमारा वाई एक्सिस होता है और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। और हम लोगों को सीखना क्या है, एएसटीसी। एएसटीसी मीन्स ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल जो होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट, सेक कॉसिक जो भी होंगे सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें जो आएगी वैल्यू वो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा जो आएगी वो सारी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। और साथ में हम देखते हैं कि ये 0 डिग्री लेते हैं और यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, क्लियर। इस क्वाड्रेंट में आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये हमारा 180 बन जाएगा, ये देखिए 180 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर 180 नोट कर देंगे, ये 270 नोट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 90 ये हो गया, 90 ये हो गया और साथ में 90 ये हो गया, क्लियर। तो ये हमारा हो गया 270, साथ में अगर हम पूरा राउंड ये भी इसको कवर कर लेते हैं तो ये हमारा 360 हो जाता है, 270। और यहाँ पर फिर से रिटर्न बैक होकर आएंगे जब पूरा राउंड करके तो हमारा 360 बन जाएगा, यानी पूरा होल सर्कल हम लोग रोटेट कर लेंगे, ठीक है। तो ए फॉर ऑल पॉजिटिव, अब साइन 90 माइनस थीटा जो है, ठीक है, तो जो भी आएंगे सारे रेशियो साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, ये सारे पॉजिटिव होंगे और सारे चेंज होंगे। अभी चेंज नो चेंज का कॉन्सेप्ट जो है अभी आपको समझाएंगे हम। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एएसटीसी को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ए फॉर ऑल पॉजिटिव और एस फॉर जो होगा वो साइन थीटा और इसका अपोजिट जो होता है वो कॉसिक थीटा, ठीक है, कॉसिक थीटा, ये जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव। और टी फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये, तो टेन टी फॉर टेन थीटा और कॉट थीटा, ये हमारे पॉजिटिव हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आएगा उसमें सी, सी मतलब कॉस, ठीक है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, कॉस और सेक थीटा, तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। एएसटीसी का मतलब ए फॉर ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और साइन और कॉसिक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कॉस और सेक जो होता है वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कैसे मालूम होगा कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव आती है या फिर पॉजिटिव आती है, ठीक है। उसके लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक 90 और एक 90 के साथ साथ 270, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा हो
ये आपका 90 माइनस थीटा हो, ठीक है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा दोनों में वैल्यू क्या आएगी हमारी, यानी कि चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में वैल्यू, सॉरी 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। उसी तरीके से 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा में वैल्यू चेंज होगी, यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट का टेन, क्लियर। तो ये वैल्यू किधर आएगी, ये वैल्यू हमारी वाई एक्सिस पे आ रही, देखिए 90 वाई एक्सिस पे ये बना हुआ और 270 भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये 90 प्लस ये 90 और प्लस ये 90, तो 90 और 270, यानी 90 प्लस थीटा हो गया, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, इन दोनों में प्लस माइनस कुछ भी हो, ठीक है, आपको साइन का कॉस करना है, कॉस का साइन करना है। साइन जो है हमें रखने हैं प्लस माइनस, वो एएसटीसी रूल से रखेंगे, ठीक है, लेकिन चेंज और नो चेंज हम लोग सिर्फ वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से पहचानेंगे। तो वाई एक्सिस में दो एंगल आते हैं, 90 प्लस थीटा, अगर प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और अगर माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। उसी तरह 270 माइनस थीटा करते हैं तो इसमें आ जाते हैं, 270 प्लस थीटा करते हैं तो इसमें आ जाते हैं, क्योंकि और एक्स एक्सिस में दो वैल्यू आती है, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, और 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। सो 180 प्लस थीटा अगर करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 180 तो ये पूरा रोटेट हो रहा है, अब अगर प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है, ये इसमें ऐसे ये थीटा प्लस हो जाएगा, ये है ना। उसी तरह से 360 प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट फिर से पहुंच जाएंगे, 360 प्लस थीटा होल रोटेशन हो गया हमारा ये पूरा, ठीक है, और अगर आगे जाते हैं तो 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा करते हैं तो फिर से हम लोग बैक इसी में आ जाएंगे, है ना, समझ रहे ना आप लोग। और तो हम लोगों को ये देखना है कि और क्वाड्रेंट सिस्टम में कि कब वैल्यू चेंज होगी कब नहीं चेंज होगी, तो आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है कि 90 और 270 पे चेंज, 180 और 360 पे नो चेंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो वैल्यू नोट किए दे रहा हूँ, 90 और 270, ठीक है, इसमें आपको प्लस थीटा हो या फिर माइनस थीटा, ठीक है, 90 270 में प्लस थीटा करें और या फिर इसमें माइनस थीटा कर दें, ठीक है, माइनस थीटा यानी कि माइनस थीटा कर दें, ठीक है। तो इन इसमें हम लोग कुछ भी प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं थीटा को, वैल्यू हमारी इनमें क्या होगी, आप देखिए कि चेंज ही होगी, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है, चेंज होनी है। अब इसको अच्छी तरह से देखिए, हम एक्सप्लेन करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। एक मिनट जरा डस्टर ले लेता हूँ, ठीक है, और ये देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं ये, यानी कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, पहले माइनस के लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये 90 बन रहा हमारा, क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू ये कम कर देंगे, ये इतना थीटा कम कर देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, तो एंगल कौन सा हमारा काउंट होगा, ये काउंट होगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा में फर्स्ट में रहेंगे। फर्स्ट में क्या है, ऑल पॉजिटिव, पक्का ऑल पॉजिटिव। अब मैंने बताया 90 में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, तो सारे पॉजिटिव रहेंगे और सबको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में चेंज होता ही है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज है, तो फिर यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। उसी तरह टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है, और कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और सेक का हो जाएगा यहाँ पे कॉसिक थीटा, और कॉसिक का हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है। आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि साइन का साइन थीटा कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, सब चेंज कर दिया, देखिए साइन का कॉस, कॉस का साइन चेंज, क्योंकि 90 में चेंज होना ही है, 90 प्लस हो या 90 माइनस हो। तो 90 माइनस थीटा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 90 माइनस थीटा में हम चेंज करते हैं, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा में साइन थीटा आ जाएगा, टेन में क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉट में क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। अब अगर हम इसमें 90 प्लस थीटा करते हैं तो 90 तो हमारा देखिए ये बन रहा है, ठीक है,
और थीटा इधर जाएंगे इस वाले में, इतना ये ऐड कर देंगे, क्लियर, इतना ऐड कर देंगे, ये चीज देखिए, ये ऐड कर देंगे, ये थीटा ऐड हो गया। तो सेकंड पॉइंट में चलेगा, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि साइन और कॉसिक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। चेंज तो इसमें भी होगा, तो चेंज अगर होगा तो ये जैसे लिखे हम तो ऐसे ही लिखे रहने दिए, हमें क्या करना है कि और यहाँ पे प्लस थीटा करना है और साथ में जो साइन है हमारे साइन और कॉसिक को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, अदरवाइज सबको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है साइन और कॉसिक को प्लस कर दो, ये प्लस रहेगा, पहले यहाँ सब पे प्लस कर दो, 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कैसा है, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड पॉइंट में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, साइन पॉजिटिव है और कॉसिक भी पॉजिटिव है, तो कॉसिक ये है तो ये भी हो जाएगा कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। अब जो है सारे हमारे क्या होंगे, अब सारे हमारे क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये निगेटिव साइन लगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मैंने 90 का बताया, ठीक है, 90 में चेंज और 270 में भी चेंज, ठीक है, 180 और 360 में नो चेंज, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, है ना। आपको दो बातें याद रखनी बस, 90 270 में चेंज और 180 और 360 में नो चेंज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 270 का पहले वैसे अगर हम बता देते तो हमें ये इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 270 को चेंज होता है, लेकिन उसके बाद हमारा ये 180 आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा देख लेते हैं, तो प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड में आएंगे और अगर माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 180 ये बन रहा पूरा। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये एंगल हटाना पड़ेगा हमें, ये एंगल, ठीक है। तो माइनस थीटा सेकंड में, अगर प्लस करते हैं ये थीटा प्लस कर देते हैं तो ये पूरा 180 हो गया, इसमें थीटा ए प्लस हो गया तो ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 180 प्लस थीटा ही देख लेते हैं, क्लियर, ओके। अब हम लोग सीखते हैं कि वाईटी प्लस थीटा और वाईटी माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। देखिए साइन 180 प्लस थीटा, सॉरी माइनस पहले देख लेते हैं, माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, उसके बाद कॉसिक 180 माइनस थीटा, क्लियर। 180 ये बन रहा पूरा, इसमें मैंने थीटा हटा दिया, ठीक है। तो किसमें आया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या कह रहा है, साइन और कॉसिक जो होंगे वो पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो सबसे पहले तो 180 में मैंने बताया नो चेंज, दो में चेंज होता है 90 और 270 में, तो 180 में नो चेंज, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, जैसा है वैसे ही आपको यहाँ पे पुट अप कर देना, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी है, आसानी से सीख सकते हैं, मैथ में नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो साइन का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा, ठीक है, क्लियर। जैसा था एज इट इज वैसे ही कॉपी कर दिया। अब हमें साइन पुट अप करने हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कह रहा है साइन जो है पॉजिटिव, कॉसिक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कर दो, कॉसिक इसको पॉजिटिव कर दो, और बाकी सारे निगेटिव कर दो, वेरी सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो माइनस थीटा का भी आपको समझ में आ गया, 180 माइनस थीटा। अब हम 180 प्लस थीटा करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्सिस तो वही है, एक्स एक्सिस तो नो चेंज, यानी 180 है तो नो चेंज, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नो चेंज तो मतलब ये जैसे ही लिखा है उसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ओके, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा। अब इसमें थर्ड में आ गए तो कह रहा है टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, क्लियर हुआ। तो टेन को पॉजिटिव करते हैं, कॉट को पॉजिटिव करते हैं, और बाकी सारे कैसे कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। बेखुद किए देते हैं अंदाज ये जाबाना, समझ में आ गया होगा ना आपको कि इसमें जो है
और टेन अपॉन कॉट, ये देखिए टेन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पॉजिटिव है टेन कॉट, बाकी सारे कैसे होगा निगेटिव हो गए, क्योंकि 180 प्लस थीटा हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन अपॉन कॉट कैसे पॉजिटिव है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए, है ना। अब हम लोग इस पे आते हैं, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, यानी 270 माइनस थीटा, माइनस का मतलब कम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो 270 में माइनस कर रहा हूँ, 270 प्लस कर रहा हूँ तो फोर्थ में जा रहा हूँ, क्योंकि 270 इधर आ रहा, सिंपल सी बात है। अगर कम करेंगे तो हम लोग बैक मोड पे, अगर हम लोग उसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड आएंगे, इसमें चले जाएंगे। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, और 270 प्लस थीटा इस पे बन रहा है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे चेंज। दो बातें याद रखो बस, क्या एक्स पे नो चेंज, एक्स पे चेंज, सॉरी एक्स पे नो चेंज, वाई पे चेंज, बस इतनी बात याद रखनी है। एक्स पे नो चेंज और वाई पे चेंज। एक्स पे दो एंगल आते हैं, कौन कौन से, 180 360, और वाई पे कौन सा आता है, 90 270। कितनी बातें याद रखनी, बस काम करते हैं। ठीक है, तो हम 270 यानी वाई पे आ रहा है, क्लियर, और वाई पे क्या चेंज है ना। तो साइन 270 प्लस माइनस थीटा और कॉस, और 270 माइनस थीटा 10, 270 माइनस थीटा कॉट, 270 माइनस थीटा सेक्स, 270 माइनस थीटा और कॉसिक, कॉसिक, ठीक है, कॉसिक 270 माइनस थीटा, है ना, क्लियर। आप देखिए इसमें कि 270 माइनस थीटा, 270, ये 270 है, लिखा हुआ 270, क्योंकि 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, 90 ये हो गया, तो 9 3 27 270 हो गया। माइनस थीटा करेंगे मतलब हम इसमें ये एंगल हटा रहे हैं, ठीक है, 270 माइनस थीटा, थीटा की कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो उसको कम कर रहे हैं, तो थर्ड में आएंगे। ठीक है, थर्ड में कह रहा है 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, लेकिन दूसरा रूल क्या है कि मुझे वाई में चेंज करना है, तो यानी कि साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, साइन का कॉट थीटा और कॉट का टेन थीटा, ठीक है, sec का cosec थीटा, cosec थीटा और cosec का sec थीटा, है ना, ठीक है। और हमें कह रहा है कि tan और cot तो पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव, cos cot भी पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे नेगेटिव, वेरी सिंपल। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हमने यहाँ पे 270 माइनस थीटा तो जान लिया, 270 माइनस थीटा मतलब चेंज होगा, साथ में 270 इसमें आ रहा है माइनस थीटा, तो टेन और कॉट कैसे रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव है और बाकी सारे हमारे कैसे निगेटिव, 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 निगेटिव। अब 270 प्लस थीटा, तो देखिए 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, अब 270 किधर आया, ये आया 270 की ये लाइन है, ठीक है, और प्लस थीटा का मतलब हमने ये थीटा एंगल इसमें ऐड कर दिया, तो फोर्थ में आ गए। ठीक है, अब जब फोर्थ में आ गए तो हमें क्या करना है, इसमें कॉस और सेक होता है कैसा, पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं 270 प्लस थीटा, ओके, प्लस थीटा, प्लस थीटा, प्लस थीटा, है चेंज होगा, कंफर्म है ना, चेंज तो होगा ना, 270 और 90 में चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंज, तो जैसे लिखे चेंज करके लिखे, इनको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस और सेक को पॉजिटिव कर देंगे, तो कॉस किधर गया, ये गया, ठीक है, इसको करते हैं पॉजिटिव कंफर्म, और सेक इसको भी करते हैं पॉजिटिव, है ना, इसको भी क्या करते हैं पॉजिटिव, और बाकी सबको क्या कर देते हैं निगेटिव, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी कि sec पॉजिटिव है और cos पॉजिटिव, देखिए sec की वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी cos की वैल्यू पॉजिटिव और sec की वैल्यू पॉजिटिव, है ना, ठीक है, और बाकी सब निगेटिव। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कह रहा है कि cos और sec कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। अब लास्ट में जो बचता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा क्या होगा, है ना, नो प्रॉब्लम, 360 है ना, पूरा होल एंगल घूमेंगे, देखिए 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 90, 360 है ना। तो अगर प्लस थीटा करते हैं तो पूरा रोटेशन करके हम फर्स्ट में जाते हैं, और 360 माइनस थीटा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में रहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि
ये हमारा ये बना और कितना आया केवल, क्योंकि हमने ये थीटा जो है माइनस कर दिया इसमें, ठीक है, समझ में आया। ये थीटा 360 तो पूरा सर्कल हो जाएगा, तो ये थीटा हट रहा है इसमें, एसी में आएगा सर्कल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और है बस 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा क्या होता है ना। ओके, सबसे पहले 360 साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा और कॉट 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, एक मिनट, सेक होगा यहाँ पे, सेक सेक, ठीक है, यहाँ पे कॉसेक कॉसेक 360 माइनस थीटा है ना। तो 360 मतलब पूरा सर्कल करके हमने ये थीटा इसमें क्या किया, माइनस कर दिया, तो थीटा उसको वैल्यू होती है ना। अब क्या होगा कि हमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये किसमें जा रहा है, ये 360 किसका बन रहा है, एक्स पे, दो पे नो चेंज होता है, पहले से याद रखना है, 180 360 पे नो चेंज, यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, क्लियर है ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है ना, तो फोर्थ में कह रहा है कॉस और सेक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो सबसे पहले तो हमें नो चेंज, साइन जैसा है वैसे ही कॉपी कर देना, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक थीटा और कॉसिक का भाई कॉसिक थीटा है ना, जैसा है वैसे ही बनेगा ना, 180 360 में नो चेंज है ना। अब यहाँ पे साइन पुट अप करने हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कह रहा है कि कॉस और सेक कैसे होंगे, पॉजिटिव है ना, कॉस और सेक को पॉजिटिव, अदरवाइज सारे नेगेटिव, तो कॉस की तरह भी ये है, इसको पॉजिटिव कर दिया, और किधर है सेक, इसको भी पॉजिटिव कर दिया है ना, नो प्रॉब्लम, बाकी सारे नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है ना, बहुत ही ईजी है। 360 माइनस थीटा और 360 अब बताएंगे प्लस थीटा है ना, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसको काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत देर में समझ में आती है, लेकिन बहुत ही इजी है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि 90 270 में चेंज और 180 और 360 में नो चेंज, ठीक है, और ASTC उस दिन में साइन पुट अप करना, दो चीज़ें याद रखनी है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि नो चेंज तो होगा ही क्योंकि 360 है, तो सबसे पहले यहाँ पे अब 90 प्लस थीटा है ना, यानी कि सॉरी 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा कर दो सर, ओके, या है ना, 360 हमने क्या किया, प्लस थीटा कर दिया, इसमें जाएंगे पूरा राउंड करने के बाद, क्योंकि होल जो एंगल होता है इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं ना, और कंप्लीट एंगल क्योंकि 180 ये बन गया, 180 ये बन गया, ठीक है, इसका मतलब हमने कंप्लीट एंगल के बाद और रोटेशन लिया है, तो तभी तो थीटा प्लस हुआ है, तो वो इसमें रोटेशन करने के बाद हम चले जाएंगे फर्स्ट में, यानी कि ऐसे रोटेट किए, ऐसे आए और ये थीटा प्लस हो गया, ठीक है, ये पूरा रोटेशन ले लिया फिर थीटा प्लस हो गया, तो किसमें चलेगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या कह रहा, और पॉजिटिव, और पॉजिटिव, और एक्स पे क्या बताया, एक्स पे नो चेंज, ठीक है, यानी कि 360 में नो चेंज, सारे पॉजिटिव होंगे तो सबको कैसे कर दो, पॉजिटिव कर दो, सबको पॉजिटिव कर देते हैं है ना, और क्या कह रहा, नो चेंज, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, इतनी सी बातें याद रखनी है ना। तो आई होप आप लोगों को ASTC रूल और जो क्वाड्रेंट सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा, कि हमें दो चीज़ें याद रखनी है, फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ कि जो 90 270 में क्या होगा, चेंज होगा साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, है ना, दो 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 वैल्यू याद रखनी है आपको, एक तो 90 दूसरा 270 डिग्री, अब उसमें प्लस थीटा हो या फिर माइनस थीटा, उससे कोई मतलब ही नहीं, चेंज होगा तो इन्हीं दो पे चेंज होगा, यानी कि 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, इस पे वैल्यू चेंज होगी, किस पे चेंज नहीं होगी, 180 और 360 पे नो चेंज, जैसा है साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, ठीक है। ये तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बता दिए कि कब चेंज करेंगे कब नहीं चेंज करेंगे,
साइन का जो जो साइन की समस्या यानी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं एएसटीसी रूल से, ठीक है। तो एएसटीसी रूल में बता दिया आपको कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होंगे, कोई भी हो ऑल पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव होंगे, चेंज नो चेंज तो इससे एक्स एक्स वाई से हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन जो भी आएगा चेंज करे या ना करे लेकिन ऑल पॉजिटिव होंगे फर्स्ट वाले में, है ना। और इसमें जो है हमारा साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे कैसे होंगे निगेटिव होंगे। इसमें टेन क्वार्ट थर्ड क्वार्टर में टेन क्वार्ट कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, और इसमें कॉसिक और सेक पॉजिटिव होगा अदरवाइज सारे निगेटिव होंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को ए एस टी सी रूल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और ए एस टी सी रूल वीडियो को बहुत ही कायदे पूरा देखना, अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में लिखें, इससे अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। Yeah.